सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही ने 17 जुलाई के ज़मीनी इंतखाबात तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने पर आमदगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का इतनी जल्दी इलेक्शन करने का फैसला समझ से बालातर है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उनका कहना है कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस अहम मामले पर समाअत करेगी। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुतनाज़ शख्सियत हैं। फैसल चौधरी का कहना है कि अगर पहला इलेक्शन गलत था तो दूसरा राउंड कैसे हो सकता है। इनका यह कहना है कि लाहौर हाईकोर्ट के गैर कानूनी फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। पीटीआई के वकील का मजीद कहना है कि लाहौर हाईकोर्ट के काफी फैसलों में खामियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमजा शहबाज को वजारत आला से हटा देना चाहिए था। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के हुकूक स्लिप किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाईकोर्ट के वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मुतालिक दरख्वास्तों को मंजूर करने के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाज जारी है, जिस दौरान चौधरी परवेज इलाही ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की और हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने पर आमदगी जाहिर कर दी। परवेज इलाही ने अदालत में अपने वकील के जराए जमनी इलेक्शन तक रोकने की इस्तदा कर दी। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि आज 4 बजे वोटिंग का अमल नहीं होगा। हमजा शहबाज के वजीर आला रहने पर किसी को एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला हमजा शहबाज को अदालत तलब कर लिया। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बयान में वो कहते हैं कि उनको हटा दिया जाए, उसके थोड़ी देर बाद ही उनका बयान सामने आता है कि हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वजीर आला इंतखाब कर रखा है। ना जाने हुक्मरान और अदालतें क्या चाहती हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें जिना न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।